जैसा पार्टी जा रही थी, पीछे डीजे आके जा रहा था, तो कोई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी वो उसको टक्कर मार गई और स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अरे बाप जी, अब शायद हालात इस हद तक आ लिया कि शायद डीजे भी वापस जा लिया है, मतलब शैतान डीजे वापस। जी जी जी, यात्रा पूरी हो गई। उभरता हुआ एक देव डीजे शामली के अंदर, फर्स्ट टाइम आया ऐसा उमर यात्रा में बड़ी गाड़ी लेके। जी जी जी, फर्स्ट टाइम आया जी। पब्लिक चाहती है, मैं उससे प्लस ही करके देता हूँ। आपके आशीर्वाद से बड़ों के आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग, एकदम मस्त ना? तो यहाँ पर चल रही है शाकुंभरी देवी ज्योत यात्रा और मैं हूँ इस टाइम थाना भवन से करीब 10 किलोमीटर और आगे बढ़ चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर दिखाई दे जाता देव शामली यूपी 19 वाले। तो ये एक उभरता हुआ डीजे है एट प्रेजेंट और काफ़ी नाम इसका होने लगा शामली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है देव और यहाँ की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। भाई से मेरी पहले भी बात हुई थी। तो ये है उभरता हुआ एक देव डीजे शामली के अंदर और यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे इनके ओनर से और जो इनको ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी, क्योंकि ये मैंने अभी हालिया देखा था कि शामली में जब मैं पहुंचा था तो काफ़ी बातें हुई थी। तो उन लोगों ने बोला कि भैया एक देव गुजर, गुजर से याद आ, सॉरी, देव डीजे है और आप उनका इंटरव्यू जरूर लेना। अगर आप शामली में आए हो तो देव डीजे का आप इंटरव्यू जरूर लेना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर टीम है पूरी की पूरी और विजय भाई, कैसे विजय भाई? जी बढ़िया। और भाई लोगों सब बढ़िया? बढ़िया, वाह हमें बढ़िया भैया भैया। तो ये देव डीजे है और देव डीजे आपका है? जी मेरा, मैं ऑपरेट करता हूँ सर। आप ऑपरेट? ओनर विकास भाई। ओनर विकास भाई जी, ठीक ठीक। तो इसको बने हुए कितना टाइम हो गया? इसको सर लगभग, ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लगभग 15-20 साल हो गए। बस अभी हाई लेवल पे थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप, यानी कि टाटा अभी लगभग 2-3 साल पहले स्टार्ट किया है। अच्छा, इससे पहले बोलेरो पिकअप ले रहे थे जी। अब टाटा लगभग 1 ईयर हो गया, फर्स्ट टाइम आया ऐसा उमर यात्रा में बड़ी गाड़ी लेके। जी जी जी, फर्स्ट टाइम आया जी जी। और जैसे अभी तक की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आपने काफी कुछ बता दिया एकदम मेरे पूछने से पहले ही। जी जी। तो जैसे शामली से आप लोग बुक थे? जी जी। शामली में किस एरिया से बुक थे आप? शामली में शहर सिटी ग्रीन के पास दयानंद नगर पड़ता है, गली नंबर तो 10-11 ऐसा, वहाँ से चौहान कास्ट है, उनसे उन्होंने मैं बुक किया था। और बहुत अच्छी पार्टी है सर, हमारा बहुत ख्याल रख रही है, बहुत ख्याल रख रहे हैं। तो ये कल से स्टार्ट हुई है ये सर? परसों शाम से। परसों शाम से? जी जी जी, ठीक ठीक। और ये सर 27 की नाइट तक रहेगी, 27 की, क्योंकि हमारी पार्टी को 27 को हमें प्रसाद चढ़ाना है। चलो मैं डीजे की बात थोड़ी अभी बात कम करता हूँ, पहले अभी इसको जो ये शाकुंभरी देवी यात्रा जो चल रही है, देख सकते हैं आप उधर से भी ठेला आ रहा है, इसकी बात करता हूँ। तो ये मेरे सिस्टम समझ में नहीं आया, हमारे यहाँ जैसे हरिद्वार कावड़ यात्रा होती है या फिर मुरादाबाद कावड़ यात्रा होती है, वो हरिद्वार से अपने गंतव्य की तरफ को जाती है, ये आपके घर से मंदिर की तरफ को जाती है, ये उल्टी कैसे चलती है? ये सर थोड़ा उसका हिसाब होता है ज्योत का, कोई लेके जाता है कोई लेके आता है। ठीक ठीक। आपको आपको बहुत ही कम तो देखने कोई उधर से आने के मिलेगा, पर बट आता है एक दो, कोई उधर से भी आता है, कोई ज्योत लेके जाता है कोई लेके आता है, सबका अपना अपना रोल है। जैसे माता रानी को किसी ने कुछ मांगा तो ये जैसे ये यहाँ से इसमें ज्योत लेके जा रहे हैं। जी जी सर। तो ये ज्योत को वहाँ पर मंदिर में जी जी विसर्जित करेंगे, विसर्जन कर देंगे, है ना? तो ऐसा सिस्टम है। जी ठीक ठीक ठीक। तो दोस्त अब बात कर लेते हैं हम आपसे आपके डीजे की। दोस्त यहाँ आ जा, तू अब इसे पकड़ के खड़ा हो जा, ठीक है ना? बस ऐसा रखिए पवर सा। तो आपको पहले तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हूँ कि आप लोगों का डीजे यात्रा पहली बार आया है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आप लोग बता रहे हैं कि आप पहले पिकअप पे चलाते थे, जी जी, है ना, एक साल से आप टाटा पे चला रहे हैं, तो पिकअप पे और टाटा पे आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया पहले तो आप ये बताओ? सर एक तो देखो सामान का भी थोड़ा बात है, पिकअप इतना सामान नहीं ले पाएगी, और सर थोड़ा एक आप कह सकते हो फाइनेंस नहीं, यानी कि रेंट पे भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है उसका, पार्टी रेंट कम देती है, चाहे आपको अच्छा बजे पार्टी को तो जाल देना चाहिए। अरे एकदम गाड़ी मैं मानता हूँ क्रेज दिखता है, ज्यादा पब्लिक को आज के टाइम में काम तो कोई कोई पार्टी है सर जो काम मांगती है, बस देखते हैं कि बड़ा हो बजे क्या सिस्टम लगा रखा है, सिस्टम बस खाना क्या लगा रखा है, आओ खाने से मतलब जी जी। उसके साथ साथ वो ये भी देखती है कि बजा कैसे, बजा कैसे, ठीक है ना? तो अगर हम लोग बात कर, वैसे मैं पूछता नहीं हूँ लेकिन आप लोगों से पहली बार है, जैसे ये आपने सिस्टम लगा रखा, सेटअप लगा रखा, इसके अंदर आपने क्या क्या लगा रखा फिलहाल? सर इसमें मैंने लगाई हुई 12 बेस, 10 टॉप और 8 हाइंस के बॉक्स, जिसमें टोटल है 55 हाइंस और 20 LED लाइट। अच्छा अगर अभी चलो वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी क्या मांगती है, ये तो जैसे CRP वगैरह का जमाना है आज के जी जी जी, वो आपके इस पे कहीं नहीं, वो एक्चुअली हमारी पार्टी से हमारी CRP की कोई बात नहीं थी, वो हम अपनी इच्छा से लगाना चाह रहे थे, तो सर जिनसे हमारी CRP की बात हो रखी थी उनसे हमारा थोड़ा मैटर ऐसा ही होगा डिस्पैच, तो थोड़ा बस ये कर लो और कुछ नहीं, मतलब आप अपनी तरफ से जी जी अपनी तरफ से हम दे रहे थे पार्टी को, शार भी दे रहे थे। तो ये प्रॉपर शामली के ही है? ये शामली के पास गांव पड़ता है करोड़ी,
करोड़ी करोड़ी, ये किस रूट पे पड़ता है? ये पड़ता है आपको इसी रूट पे पड़ेगा, अगर शामली से आप थाने बन वाले रूट पे आएंगे तो लगभग फर्स्ट का वो पड़ता है थोड़ा अड्डा टाइप ही, तिराहे से साईं धाम से आगे जी जी, लगभग शामली से 4-5 किलोमीटर। ठीक ठीक जी। तो गांव में और भी डीजे हैं आपके या एक अकेला ये डीजे? नहीं है, गांव में 2-3 डीजे हो रहा है, बट ये थोड़ा हाई लेवल, ये हाई लेवल का है। और कितना टाइम हो गया काम करते हुए आप लोगों को? काम तो ये भैया हमारे भैया आए हैं पहले से करते रहे, मैं तो देखो ऑपरेट करने आया हुआ हूँ, मेरा भी गांव थोड़ा शामली के पास से पड़ता है, बट भैया हाई लेवल से हो गए काफी। कितना टाइम हो गया आपको? 15-16 साल हो गए काम करते हुए। 15-16 साल हो गए। तो मैं आपसे बात करूँ तो जैसे आपने काम स्टार्ट करा था तो काम किस लेवल से स्टार्ट करा था, क्या बनाया था आपने सबसे पहले? मेरे मामा आया जो उन्होंने काम स्टार्ट किया, उन्होंने क्या? नहीं मेरा कहना मतलब कि सामान क्या स्टार्ट था सबसे पहले जो आया पे हमने डीजे स्टार्ट करा, सबसे पहले क्या एक बेस दो बेस तीन बेस चार तीन टॉप दो बेस तीन टॉप दो बेस थी, उनसे काम स्टार्ट करा था। और आज आपके पास कितना सामान है? आज देख लिया आपका आगे सामान सब गाड़ी बांध लो चाहे गाड़ी तो बांध लो। अच्छा और जैसे ये विजय भाई आपके हैं, आपके डीजे देव को ऑपरेट करते हैं, इनसे आप कितना सेटिस्फाई हैं? यही भाई है वैसे मान लो, ये मालिक ही बना रखे हमने, ये मालिक ही बना रखे, मालिक ही है जी 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 जी। तो विजय भाई जी यहाँ तो आप लोग पहली बार आए हैं जी, बाकी आप लोग फंक्शन वगैरह जैसे शादी ब्याहों में या इनमें बजाते हैं जी, तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहता है, आप पब्लिक आपसे क्या चाहती है? सर जो मेरे से पब्लिक चाहती है मैं उससे प्लस ही करके देता हूँ, आपके आशीर्वाद से बड़ों के आशीर्वाद, आज तक कहीं भी माइनस नहीं रहा हूँ कहीं भी माइनस नहीं। अच्छा जैसे सिस्टम होता है जो ऑपरेटर वाला सिस्टम होता है वो कुछ लोग अपने लैपटॉप पे और इनके जो काफी काफी सामान जी जी, तो आपके पास ऐसा क्या है? सर मैं कंट्रोलर यूज करता हूँ पाइनर का, पाइनर का जी सर, कंट्रोल यूज करते हैं। तो ये ओरो के मुकाबले कैसे बेस्ट है? नहीं ओरो के मुकाबले देखो सर यूज तो सभी कर लेते हैं पर जो पब्लिक क्राउड करने का तरीका होता है ना वो हर कोई ऑपरेटर मैनेज नहीं कर पाता। अब बहुत से ऑपरेटर मेरे नीचे आपकी वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि बंदे ने क्या बोल दिया, पर भैया मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े तो सभी है, बस मेरा तो ये कहना है। मैं मानता हूँ कभी आपने को अपने आप को बड़ा नहीं मानना चाहिए और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सीखने की कभी कोई उम्र जी 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 सीखने हमेशा सीखना, लास्ट टाइम तक आदमी सीखता रहता है। भैया मैं तो सबसे छोटा हूँ बस इतना ही कहना चाहूंगा, मेरा मेन मकसद ये था कहने का कि जो आदमी अगर आज यहाँ क्राउड खड़ा है चाहे 50 खड़ा हो चाहे 50,000 खड़ा जी जी, वो नस को पहचान के बजाता है ना जी जी, कि भाई इनको चाहिए क्या, इनको चाहिए क्या आदमी के मतलब चीज है ऑपरेट। देखो सर हम तो हम इस लेवल में बोलना नहीं चाहिए, ऑपरेटर तो होता है जो पार्टी के चेहरे पे देख रहा है पार्टी मांगना क्या मांग क्या रही है, ऑपरेटर अच्छा वही ऑपरेटर की इस टाइम यहाँ पे क्या चीज है। और सर देखो कहना चाहिए मेरी पार्टी है घड़ी मेरी कमेटी है, पूछ लो कैसा नचा रखा है, बस समझ जाएगी गाना बजना खुश हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपकी अपकमिंग यात्राएं क्या क्या हैं? अब सर हमारी नेक्स्ट 15 से है यही साकुम्बर, साकुम्बर जी नवरात्रों में, नवरात्रों में और 24 की सर बात 26 की जो वो होता है ना पहला वो दशहरा उसकी बात चल रही है, उसको थोड़ा पेमेंट का पेमेंट। और जैसे अभी रिसेंटली आने वाला एक दो दिन में ही विसर्जन का चल रहा है, विसर्जन की सर हमारी बात चल रही है विसर्जन की, बट मेरी ऑपरेट है मैंने आपको बताया था वहाँ पे धड़कन डीजे पे बड़ोत में। अच्छा धड़कन डीजे बड़ोत में सिरसली वाले पे, मैं सिरसली वाले गोलू भैया है जी जी, एक मेरे अखिल भैया है वो भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मेरी बुआ के लड़के हैं। आप रहने वाले कहाँ के? मैं सर शामली के पास बनत गांव पड़ता है, बनत के रहने वाले हैं। बाकी और जैसे और डीजे भी आए हुए हैं जी जी, तो किसी से कंपटीशन करने की चाहत नहीं सर, कॉम्पिटर हम किसी से नहीं, कॉम्पिटिशन किसी से नहीं है, बस अपने काम से मात दो सबको, बोलो मत कि भाई ये है हमारा काम है बेस्ट है, बस हमारी पार्टी सर्टिफाइज है बस, अब और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अभी मुझे एक छोटी सी पता लगी, रात एक इंसिडेंट हो गया शैतान डीजे के साथ जी जी सर, वो क्या हुआ? वो सर ऐसा हुआ कि वो जैसे जा रहे थे तो भाई बताया जा रहा है अभी हमको भी मतलब कंफर्म नहीं है ये बात, वैसा कंफर्म तो है कि ये हादसा हुआ बट ये नहीं कंफर्म है कि हुआ कैसे, जो हमें पता लगा है क्योंकि उनके ऑपरेटर से हमारी बातचीत होती रहती है, तो ऐसे जैसे पार्टी जा रही थी पीछे डीजे आगे जा रहा था तो कोई स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी वो उसको टक्कर मार गई और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अब शायद हालात इस हद तक आ लिए कि शायद डीजे भी वापस जा लिया है, बस माता रानी किसी के साथ ऐसा ना कराए, तो साथ में चल रहा है अगर एक बंदा की डेथ हो जाए तो यात्रा का तो कोई औचित्य नहीं बचता है। तो मैं सब लोगों से कहता हूं दोस्तों, मैंने रात भी कहा था जब वहां पे कंपटीशन भी हो रहा था और जब खड़े हुए डीजे थे तो भी मैंने बोला था कि भाई जरा साइड में रहो, साइड में रहो, सड़क के उस तरफ मत जाओ नहीं तो कोई उड़ा देगा, और ऐसा ही एक ऐसा इंसिडेंट हो भी गया देखो। तो ध्यान रखें आप लोग सड़क से थोड़ा साइड में ही चलें, यात्रा को सकुशल पूरा करें आप लोग, अपनी माता का नाम लेते हुए चलें और व्हीकल्स का ट्रैफिक का ध्यान रखें। तो विजय भाई जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप दिन रात तरक्की करते हैं ऐसे जाएंगे और हम लोग देव गुजर वालों से भी आपको कहेंगे, सॉरी गुजर ये ऐसा शब्द मत लिया मैं काटता हूं इसको, और हम देव जो आपका डीजे शामली है हम इनको भी चाहेंगे कि ये भी दिन रात तरक्की करें। मुझे बताया गया था शामली में जब मैं आया था कि भैया अगर आप जा रहे हैं
तो देव आपको एक डीजे दिखाई देगा, उसका इंटरव्यू आप जरूर डालें, आप लोगों के चाहने वाले होंगे, उन लोगों ने बोला है, तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट बना के रखना देव के साथ, और भाई विजय के साथ भी ऑपरेटिंग बहुत अच्छा करता है, इसको भी अपना पूरा सपोर्ट बना के रखें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नए प्लेस पर, एक नई जगह, फिर किसी और डीजे वाले के साथ बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और दोस्तों एक और खास बात, अगर आप लोग विजय भाई को ऑपरेटिंग के लिए किसी भी डीजे पे आप बुलाना चाहते हैं तो विजय भाई को बुला सकते हैं, बहुत अच्छा ऑपरेट करता है, मैंने भी सुना रात, बहुत अच्छा ऑपरेटिंग करता है। और मैं चाहूँगा विजय भाई अपना नंबर और बता दो आप। जी सर, मेरा नंबर है 70 60 50 98 64। एक बार और रिपीट कर दो जोर से जरा, 70 60 50 98 64। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को चाहिए एक अच्छा ऑपरेटर तो आप विजय भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर मैंने आपका डाल दिया है, ठीक है ना दोस्तों। ज़रूर भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ नाम ही कमाओगे आगे चल के, ठीक है दोस्तों।